हेलो भाई लोग, अगर अभी तक आप एक बार भी फ्री फायर में हीरोइक नहीं गए हो और हीरोइक जाना चाहते हो तो आप एकदम सही वीडियो पे क्लिक किए हो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बरमूडा मैप में पांच ऐसे जगह के नाम बताऊंगा जहां पे आप बैठ के आराम से कैंप कर सकते हो और अपने रैंक को पुश कर सकते हो, और भाई लोग वहाँ पर आपको कोई भी नहीं खोज पाएगा, और दोस्तों वहाँ से आप अपने एनिमी को भी सरप्राइज करके मार सकते हो। तो दोस्तों बने रहना मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। दोस्तों पांचवा जगह है हमारे पोचुनो के पास। भाई लोग इधर आ जाना है, मैं थोड़ा दूर ही लैंड कर गया क्योंकि मेरे पास फाल्को नहीं था। तो भाई लोग इधर आके आपको टावर में जाना है और टावर में पूरी अच्छी तरह से लूट कर लेनी है, और टावर के बाद आपको जाना है लाइट हाउस में, और लाइट हाउस में भी आपको अच्छी तरह से लूट कर लेनी है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको कोई ना कोई गन पक्का मिल जाएगा, और इधर से लूट करने के बाद आपको इधर से निकल जाना है और नीचे जाना है। और भाई लोग मेरे पास लैंडमैन है तो मैं इधर लैंडमैन लगा देता हूँ क्योंकि अगर कोई आएगा तो पता चल जाएगा। और भाई लोग इसके बाद आपको जाना है सामने नीचे। दोस्तों ये जगह काफ़ी ओपी है और यहाँ पे आप आराम से रैंक पुश कर सकते हो। तो इधर से आपको नीचे उतरना है और जैसे मैं जा रहा हूँ उसी तरह से आपको जाना है। और भाई लोग इधर आपको बैठ जाना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। आपको ज़्यादा भी आगे नहीं जाना है क्योंकि आप स्विम करने लगेंगे, तो आपको फिर से पीछे आ जाना है और बैठ जाना है। तो आप देख सकते हो कि मैं एकदम सही जगह पे बैठ चुका हूँ। और भाई लोग यहाँ पे जोन भी आता है, दो जोन आपका आराम से कट जाएगा और आप यहाँ पे सर्वाइव करके रैंक को पुश कर पाओगे। तो भाई लोग यहाँ से मैं अपने गन्स को निकाल देता हूँ क्योंकि गन्स हाईलाइट होते हैं तो एनिमी को पता चल जाएगा। और देख सकते हो भाई लोग, मेरे को सिर्फ अपना एक चोटी दिख रहा है और कुछ नहीं। तो भाई लोग जब जोन ख़त्म होता है तो आपको ये सभी गन्स उठा लेनी है और आपको इधर से चल जाना है। दोस्तों चौथा जगह है हमारे ऑब्जर्वेटरी में, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए आपको यहीं पे उतरना होगा ग्रेवयार्ड में। इधर आपको फाइट नहीं लेना है और पूरा लूट करके आपको इधर से निकल जाना है। जब तक कि एनिमी आपके क्लोज रेंज में नहीं आ जाता तो आपको फाइट नहीं लेना है। इसके बाद आपको जाना है सामने जो लॉन्च पैड दिख रहा है वहाँ पर, और लॉन्च पैड के पास जाना है, और इधर सामने एक मशरूम है तो मैं मशरूम को खा लेता हूँ और उसके बाद मैं लॉन्च पैड को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं लॉन्च पैड को इधर सेट कर रहा हूँ, तो भाई लोग जैसे मैं सेट कर रहा हूँ उसी तरह से आपको भी सेट करना है। और इधर से मैं इधर टेक ऑफ करता हूँ, तो भाई लोग आप देख ही लेना मैं कहाँ पे जाऊँगा। तो भाई लोग देख सकते हो मेरे पास फुल लूट है और यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, और यहाँ से आप किसी भी एनिमी को मार सकते हैं और आराम से आप कैंप करके रैंक पुश कर सकते हो। अगर आप किसी एनिमी को मारेंगे तो आपको उसे पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से बंदा मार रहा है, तो आप यहाँ पर किल भी कर सकते हैं और कैंप करके रैंक पुश भी कर सकते हैं। तो भाई लोग ये जगह बहुत ही ओपी है और चेकआउट करना मत भूलना। दोस्तों तीसरा जगह है हमारे रिवर साइड के पास। तो दोस्तों यहाँ पे लैंड करने के बाद आपको सीधा जाना है डैम के पास। तो डैम पे आपको पूरी अच्छी तरह से लूट कर लेनी है। मेरे को यहाँ पे गन भी मिल चुका है, और सामने मेरे को यहाँ पे M87 और M60 मिल चुका है जो कि काफ़ी अच्छी गन है। तो यहाँ पे पूरी अच्छी तरह से लूट करने के बाद आपको जाना है नीचे। तो भाई लोग मैं अभी नीचे जाऊँगा और उधर से आपको वहीं पे कैंप करना है। यहाँ पे मैं एक इमोट मार लेता हूँ और इधर नीचे मैं इधर उतर चुका हूँ, तो इधर से आपको जाना है। और इधर आने के बाद आपको यहाँ पे नहीं रहना है, इसके आगे जाना है क्योंकि यहाँ पे आपको एनिमी देख लेगा। यहाँ पे भाई लोग आपको कोई भी नहीं देख पाएगा इस वाले एरिया में, तो आपको इधर जाना है और बैठ जाना है। तो भाई लोग देख सकते हो मैं कितनी ओपी जगह आ चुका हूँ। यहाँ पर मेरे को कोई भी देख भी नहीं सकता, अगर कोई ऊपर भी आ जाता है तो उसे पता भी नहीं चलेगा। अगर मैं कोई गोली भी चला देता हूँ ना तो उसे पता नहीं चलेगा कि मैं किधर से मार रहा हूँ, और वो पूरा कंफ्यूज हो जाएगा। और रिवर्स साइड के उस साइड से बंदा अगर कोई आता है तो मैं उसे भी मार सकता हूँ आराम से, और इधर बैठ के रैंक पुश कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा जगह है हमारे हैंगर में, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक व्हीकल की। वो चाहे जीप हो सकती है, चाहे लैम्बर्गिनी हो सकती है, या फिर चाहे ऑटो हो सकती है। भाई लोग ये वाली जीप की स्किन तो मेरे को काफ़ी ओपी लग रही है, आप भी बताना कि आपको कैसे लगी ये जीप की स्किन। तो आपको यहाँ पर आने के बाद इस वाले घर के सामने जो फेंस है उसके सटा के ये व्हीकल को लगा देना है, और वहाँ पे लगाने के बाद आपको व्हीकल से उतर जाना है। तो व्हीकल से उतरने के बाद आपको इधर आना है और दीवार से सटा के आपको एक ग्लू लगा देना है, और ग्लू लगाने के बाद आपको एक और ग्लू लगा देना है, और फिर मैं तीसरा ग्लू भी लगा देता हूँ। इसके बाद आपको व्हीकल के पास जाना है और स्कोप खोल के आपको जंप करना है। तो आप व्हीकल पर आ जाओगे और उसके बाद फेंस पर आ जाओगे, और फिर आपको स्कोप खोल के ऊपर की तरफ जंप करना है। तो आप देखो ग्लू वॉल पर आ गए, और इसके बाद आपको यहाँ पे चढ़ जाना है घर के ऊपर। तो भाई लोग देख सकते हो कितना ओपी जगह है। यहाँ से आप आराम से कैंप कर सकते हो और अपने एनिमी को भी सरप्राइज करके मार सकते हो, और आप आराम से हीरोइक को पुश कर सकते हो।
भाई लोग ये जगह काफी ओपी है, जरूर से चेकआउट करना। दोस्तों हमारा फाइनल और लास्ट और सबसे अच्छा जगह है हमारे शिपयार्ड में। यहाँ पे उतर को आपको सारा अच्छी तरह से लूट कर लेना है और यहाँ पे मैंने लूट कर लिया है। तो इसके बाद आपको ऊपर जाना है इधर साइड में और इधर आके भी लूट कर लेना है जो भी मिला। तो इसके बाद आपको ऊपर जाना है और इधर सीधे लॉन्च पैड के पास जाना है। तो लॉन्च पैड के पास जाकर आप देखना मैं किधर ये लॉन्च पैड को सेट करता हूँ। उधर सामने जो दिख रहा है येलो कलर का पिलर, वहीं पे आपको लॉन्च पैड को सेट करना है। और आप देखो मैं ये कहाँ आ गया भाई लोग, ये सबसे ऊपरी जगह है मेरे हिसाब से। और यहाँ पे आप आराम से लेट के भी रैंक को पुश कर सकते हो, और अगर आप एनिमी को सरप्राइज करके मारना चाहते हो तो मार सकते हो, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ से मार रहे हो। भाई लोग ये जगह को ज़रूर चेकआउट करना। और भाई लोग कैंप करने के बाद जब जोन आता है तो आपको इधर से उतर जाना है। तो भाई लोग इधर हेल्थ भी नहीं ज़्यादा जाता है और इधर से आपको मेडिकेट मार लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको हीरोइक को पुश करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी और आप आराम से हीरोइक तक पहुँच सकते हो। और भाई लोग अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके हर एक लाइक से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि वो भी आसानी से हीरोइक जा सके। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और वीडियो में।